उत्तराखंड में प्रवासियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। राज्य में अनलॉक वन लागू होने के बाद बाहर से आ रहे प्रवासियों के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए एआरटीओ विवल पांडे ने बताया कि अब राज्य में आवाजाही करने के लिए ऑनलाइन पास बनेगा, जिसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। वहीं अति आवश्यकीय कारण होने पर मैनुअल पास भी दिए जा रहे हैं। सर, काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि राज्य से बाहर की यात्रा कैसे की जाए, किस तरीके से पास बनेंगे या क्या जानकारी होगी इस बारे में। काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं क्या हो जी। राज्य से बाहर अगर आपको जाना है या बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आना है तो आवश्यक रूप से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए आपको देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पोर्टल पर जाना है। बहुत ही आसान है, गूगल या किसी भी सर्च इंजन में आप देहरादून स्मार्ट सिटी सर्च करेंगे तो आप उस पोर्टल तक पहुँच जाएंगे। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और उसी के अनुरूप आप अपनी एंट्री करते जाएंगे। बहुत ही यूजर्स फ्रेंडली है और बहुत आसानी से वो ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त यदि आपको उत्तराखंड के किसी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा ऑनलाइन का OTP नहीं आ पा रहा है या कभी कहते हैं कि सर्वर डाउन होने के कारण अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, और इमरजेंसी होती है कि किसी का निधन हो गया है या कोई रेफरल केस है, कैंसर का पेशेंट है, ले जाना ज़रूरी है। ऐसे मामलों में हम मैनुअल पास भी जारी कर रहे हैं। जैसे वाहनों में बैठने की क्षमता है तो उनमें कोई परिवर्तन किया गया है या पूर्ववत जैसे थी वैसे ही है? जी, वो पूर्ववत जैसी थी वैसी ही हैं। जहाँ तक टैक्सी वाहनों का सवाल है तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो 5-सीटर टैक्सी कार है तो उसमें 3 लोग अलाउड हैं अभी ड्राइवर सहित, और अगर 8-सीटर है तो 50% यानी कि 4 लोग, 10-सीटर टैक्सी है तो उसमें 5 लोग अलाउड हैं। इसी प्रकार बसों में भी जितनी कैपेसिटी है उसका 50% अलाउड है।